खबर पीलीभीत जनपद से, जहां एक स्कूल को ही ट्रेन की डिजाइन में बनाया गया है। यह ट्रेन वाला स्कूल लोगों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कोरोना महामारी के चलते हर स्कूल कॉलेज बंद रहे, वहीं सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या हमेशा कम रहती थी। अधिकतर लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को लुभाने वाले काफी इंतजाम होते हैं, जिसके चलते बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहता है, जिस कारण अन्य स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा होती है और सरकारी स्कूल में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना अच्छा नहीं समझते। आपको बता दें कि पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव जमुनिया के विलंद खास में सरकारी स्कूल काफी अच्छी तरह से ट्रेन की शक्ल में बनाकर सजाया गया है। दूर दूर से लोग इस स्कूल को देखने आ रहे हैं। अध्यापक श्रीकृष्ण का कहना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम होती है और कोई खास सुविधा नहीं होती है। बच्चों को लुभाने के लिए इस स्कूल को ट्रेन की डिजाइन से व अन्य चीजों से सजाया गया है, जिसके चलते हमारे सरकारी स्कूल में बच्चों की काफी संख्या बढ़ी है। पीलीभीत जनपद से विकास सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी, ये जो विद्यालय में आपने रंग रोगन करवा के मॉडिफाई करवाया है जी, इसका क्या उद्देश्य है? सर, हमारा मेन उद्देश्य है बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करना, क्योंकि ये सरकारी स्कूल है और ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम होती है, लोग इधर उधर की बातें करते हैं। हमने ये करने की कोशिश की है, अपने सरकारी स्कूल को बेहतर बनाएं। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना ना भूलें। विद्यालय में कितने बच्चे आ चुके हैं? हमारे यहाँ इस समय 59 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। किस तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं? हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए हैं, हम गूगल मीट की भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चे उसमें ऑनलाइन अध्ययन करते हैं और हमारी प्रॉब्लम जो होती है उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जरूरत होने पे हमारा स्टाफ बच्चों के घर भी जाता है उनको अध्ययन कराने के लिए, उनकी समस्या सॉल्व कराने के लिए। सर, ये स्कूल कौन सी जगह स्थित है? ये ब्लॉक पूरनपुर में विलेज खासपुर है, वहाँ उपस्थित स्थित है।